हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस स्मार्ट न्यूज़। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पल्लू सबके सामने बालवीर बन के जाता था तो उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था, लेकिन अगर विवान और देव सबके सामने बालवीर बन के जाएं तो उसे क्यों पहचान लेते हैं। दोस्तों, इसके बारे में जो काफी सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में इस बात को टोटल एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, बालवीर के सीजन 1 में बल्लू जब मानव महर के घर जाता है तो उसे कोई भी नहीं पहचान पाता कि ये बालवीर है, लेकिन दोस्तों डेली बालवीर और बल्लू से मिलने के बाद भी किसी को पता नहीं चल पाता ये बालवीर और बल्लू एक इंसान है। लेकिन देव और विवान जब भी किसी के सामने बालवीर बन के जाते हैं तो सबको पता चल जाता है कि विवान और देव है। और ये आपने कई बार देखा भी होगा। और जब बालवीर ट्रांस में कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर वाला ट्रैक दिखाया गया था और सबको बालवीर और विवान ने बचाया था, और सबको बचाने के फौरन बाद उनको देखते ही पता चल गया था कि ये देव और विवान है, लेकिन बाद में बालवीर ने उनकी मेमोरी क्लीन कर दी थी। दोस्तों, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो देखने वाले व्यूअर्स को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। जी हाँ, सिर्फ इसलिए कि फैंस का कोई भी इस पर सवाल ना उठे, क्योंकि आप जब विवान और देव को देखते होंगे और उनको फिर बालवीर के रूप में देखते होंगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं नजर आता होगा, और इसलिए इनको सब पहचान लेते हैं। और ये सबको स्टोरी के स्टार्टिंग में ही होता है कि कौन किसके सामने आएगा, किसको कौन सा रूप देना है, ताकि वो इंसान बालवीर के साथ में भी हो लेकिन उनको पता भी ना चल पाए कि विवान और देव हैं। और दोस्तों, इसके अलावा स्टोरी में किसी को पता चलना जरूरी हो तो इनके पास मेमोरी क्लीन वाला बेस्ट ऑप्शन है, जिसके जरिए ये अपनी स्टोरी को और भी अच्छा बना सकते हैं और स्टोरी चलने के बाद सबकी मेमोरी क्लीन कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बालवीर टर्म्स में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में टाइप जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।